बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक बार फिर अपील है इमरान खान साहब से। सर, बजट में 180 अरब रुपए जो आपने अप्रूव किए हैं इस कौम को भिखारी बनाने के लिए, 3000 रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप तो कह रहे हैं नवाज शरीफ और बेनजीर की हर चीज गलत है, तो क्या आपके इल्म में नहीं है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो कार्ड बटे वो सियासी वाबस्तगियों, सियासी लोगों के पास 100-100, 200-200 कार्ड है, और पूरी दुनिया से भीख मांग के जो आप पैसा लेकर आ रहे हैं उसके बाद 180 अरब रुपए आपने बजट में डाल दिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 3000 रुपए लाइन लगा के फहरात लो, और भाई आप 180 अरब रुपए हमें दे दें, हम इंडस्ट्रियल जोन कायम करते हैं, 50,000 नौकरी अगर मैं 2 साल में नहीं दूंगा इसे 180 अरब रुपए से, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के गेट पे फांसी दे दिएगा। और दूसरी बात, एक और चीज बताएं, कल मैंने टीवी में सुना कि जो इनकम टैक्स नहीं देगा हम जेलों में डाल देंगे। सिर्फ इतनी सी बात बता दें, सरकारी अस्पताल पहुंचने के बाद मरीजों को जो इलाज नहीं मिलता मर जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की गफलत से जो मर रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी अस्पतालों में मशीनें नहीं है लैब टेस्ट के लिए, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी अस्पतालों में जो भी मरीज रुसवा हो रहा है, महीनों हफ्तों चक्कर लगा रहा है, उसको नंबर नहीं मिल रहा, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा और मर जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी कर रहे हैं उनकी फैमिलियों को कौन संभालेगा? तो सर, टैक्स तो आप ले रहे हैं, इनको संभालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपसे फिर अपील करूंगा इमरान खान साहब, ये भिखारी ही होंगे नाम से जो टैक्स बनाए जा रहे हैं, ये जो आप 180 अरब रुपए उठाकर उन्हीं को दे रहे हैं जिनको आप चोर और डाकू कह रहे हैं, उनके बनाए हुए फार्मूलों पर अमल कर रहे हैं, आप नहीं चला सकते, आप हमें दे 180 अरब रुपए, हम 50,000 नौकरियां निकालेंगे, हम जानते हैं लड़का किस तरह जलील और रुसवा हो रहा है पाकिस्तान का, पढ़ने लिखने के बाद क्यों कोई सुबह 9 बजे घर से टाई लगा के निकलता है और रास्ते में मोबाइल छीन रहा है? वो इसलिए मोबाइल छीन रहा है, उसके घर में उसके बच्चे भूखे हैं, उसकी बीवी भूखी है, उसको मालूम है 12,000 रुपए तनख्वाह में महीना नहीं गुजरना है। सर, कब तक लोग सेठों के बच्चों को उठ उठ के सलाम करेंगे, प्राइवेट नौकरियां करेंगे? खुदा का वास्ता है, पाकिस्तानियों पर रहम करें। सर, ये 180 अरब रुपए वापस लें और ये इन गरीबों के ऊपर खर्च कर दें, इससे रोजगार मिल जाए लोगों को, इंडस्ट्रियां कायम कर दें, कुछ तो रहम करें। सर, आप आवाम से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि जहां जहां बेहतरी आ सकती है आवाम इनकी नॉलेज में डाल दें। ये लोग भाई शाम अब तो 5 बज गए घर चले गए होंगे, लेकिन कल जब भी आए सुबह ऑफिस दफ्तर, ये लोग 1 बजे 2 बजे थोड़ा रहम आ जाए आवाम पे। बहुत शुक्रिया।